Hey guys, welcome back to my channel and I'm Suman. And aaj hum baat karenge winter's weight loss diet plan 1 month 7 to 8 kgs down ka weight loss diet plan. And ye diet plan main apne kafi clients ke saath bhi deti hu and it's very simple homemade ghar ka khana and aapki bimariyan bhi isse theek hoti hai kafi had tak aapki skin theek hoti hai kafi had tak aapki skin glow karti hai kafi had tak aapke body ke organs ko kehte hai na greasing karne ka ye diet kaam karta hai plus and the important cheez is jo kyunki mere sath kya hota hai jab main instagram pe live jaati hu bahut baar to wahan pe mere paas question aate hai intermittent fasting pe video banao keto diet pe video banao and kuch na kuch diet plans alag alag aa jate ki unke upar videos banao so mera personal manna hai no intermittent fasting maine beech mein fasting rakha tha intermittent fasting seriously main bolna nahi chahungi but mere hisab se intermittent fasting theek nahi hai sehat ke liye बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है. सेकंड इज़ मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि डाइट प्लान हमारा उस तरीके से फॉलो होना चाहिए कि जिसको हम अपनी एक लाइफस्टाइल में ऐड कर सकें या फिर हम वेट मेंटेन कर पाएँ. अब आप लोगों के सामने मैं पिछले 2.5 से 3 साल से वीडियोस बना रही हूँ. मेरी फर्स्ट वीडियो में मेरी शक्ल इतनी बड़ी थी एंड अब मेरी शक्ल छोटी है विच मीन्स मैं लूज़ करती चली आ रही हूँ. सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे साथ नहीं आता क्योंकि हमको बॉडी ऐसी चाहिए, अगले महीने हमें वैसी चाहिए, उसके अगले महीने हमें लीन चाहिए, फिर पेरेंट्स हमें बोल देते हैं अरे तुम तो बहुत पतले हो गए हो थोड़ा सा खा लो, तो हमको थोड़ा सा बल्कि चाहिए. सो यू नो बॉडी सेटिस्फैक्शन हमारा नहीं निकल पाता जो भी फिटनेस में होते हैं. सो ये पॉइंट है. सेकेंड इज मैं वेट मेंटेनेंस पे भी हूँ. कभी कभी मेरा मन करता है मैं 1-2 हफ्ते का डाइट कर लेती हूँ, देन अगेन आई एम ऑन अ वेट मेंटेनेंस. मैं तीनों टाइम घर का खाना पीना खाती हूँ. सो फंडा इज अगर आप लोग कोई भी वेट लॉस जर्नी पे उतर रहे हो बिना चीटिंग के सीधा एक वेट लॉस जर्नी पकड़ो. डोंट प्ले विद योर बॉडी. हेयर फॉल हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी. इससे बेहतर है वेट लॉस करो, बैक टू दी नॉर्मल घर का तीनों टाइम का खाना पीना, कार्ब्स का इंटेक. उससे कभी किसी इंसान का वजन नहीं बढ़ता, बॉडी फिट रहती है, आप ग्लो करते हो. अच्छा खाओ, घर का खाओ, वेट लॉस का टारगेट सेट करो, मूव ऑन करो एक वेट लॉस के प्रॉब्लम से एंड देन बैक टू दी अपने करियर पे या फिर जो भी आपका लाइफ का नेक्स्ट एम है. सो या दैट्स इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी विंटर्स वेट लॉस डाइट प्लान. अब अगर मैं बात करती हूँ विंटर्स के वेट लॉस डाइट की, सो ये पक्की बात है कि सर्दियों की सुबह आप लोग जल्दी नहीं उठोगे एंड 7, 7:30, 8 बजे तक हर इंसान उठता है. सर्दियाँ पड़ेंगी बहुत ज़्यादा. सो पहली चीज़ हमने क्या करनी है, अगर आप उठ रहे हो 8 बजे से पहले आप उठ जाओ. 8 से ज़्यादा लेट नहीं करेंगे. 8 बजे उठेंगे तो रात को हमने लौंग का पानी, जिसकी ये रही वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है, ये वाला पानी हम सोख करके रखेंगे. सुबह उठ के हम इसको गर्म करके छान के पिएंगे. ठीक है, मूव टू दी ब्रेकफास्ट नाउ. अच्छा, तो अब ब्रेकफास्ट में ये है पूरा 1 महीने का डाइट ना, 1 मंथ का. एक मेन्यू या फिर एक ऑप्शन से हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे. चीटिंग करने का आप लोगों का पूरा पूरा चांसेस होगा. सो मैं आपको वेराइटीज देती हूँ. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से. फर्स्ट ऑप्शन हमारा नॉर्मल रहेगा वेज सैंडविच. एनी सैंडविच आप ले सकते हो. सेकेंड ऑप्शन सर्दियों का जो मेरे को पसंद है, जो मैं सर्दियों में ब्रेकफास्ट डेली करती हूँ, मेथी का स्टफ्ड रोटी. अब जो मेथी का स्टफ रोटी बता रही हूँ वो हम लेंगे बेसन एंड वीट फ्लावर का, या फिर जौ एंड वीट फ्लावर का, या फिर ज्वार एंड वीट फ्लावर का. कल्ला वीट फ्लावर ना हम यूज नहीं करेंगे जितनी भी मैं रोटी बताऊंगी. सो यू कैन मिक्स एंड मैच एज पर योर टेस्ट, एज पर योर कंफर्ट. सो हम लेंगे मेथी का रोटी, मेथी का पराठा, बेसिकली एक चम्मच घी के साथ, या मेथी का स्टफ रोटी. नहीं तो बाजरे का रोटी हम ले सकते हैं, दस बाजरे का रोटी. उसके अलावा मक्की का रोटी हम सुबह सुबह ले सकते हैं. उसके अलावा भी हमारे पास क्या और अदर ऑप्शंस हैं. द बेस्ट ऑप्शन इज योर नॉर्मल 2 रोटी विद एनी सब्जी. मैं चाहती हूँ आपका ब्रेकफास्ट हो इतना बड़ा, हैवी, अच्छा खासा ब्रेकफास्ट हो. 9, 9:30 बजे से पहले आप अपना खाना ब्रेकफास्ट निपटा लो. चाय, अगर आपकी जो हैबिट बनी हुई है दूध वाली चाय की सवेरे नाश्ते के साथ, या नाश्ते से पहले जिन जिन की हैबिट है बंद कर दो, नाश्ते के साथ आप डेफिनेटली ले सकते हैं 1 कप चाय, थोड़ा सी खांड या फिर थोड़ी सी आपका गुड़ या फिर थोड़ी सी कोकोनट शुगर डाल के. साथ ही जो अपा की मीठी चीनी होती है वो हम लोग ऐड नहीं करेंगे. हम या तो कोकोनट शुगर या देसी खांड मार्केट में मिलती है वो, या फिर थोड़ा सा गुड़ डाल के हम 2 से 4 घूंट अपना, जो हमारी आदत सेटिस्फाई हो जाए, चाय लेंगे. मैं चाय बिल्कुल नहीं छुड़वाती किसी की भी, चाय हम ऐड करेंगे ही करेंगे. अच्छा, अगर आप रोटी सब्जी ले रहे हो
प्रेफर करो सर्दियों में जो सर्दियों की मेन सब्जी है, पालक का साग, सरसों का साग, बथुए का साग, बथुआ को तड़का लगा के आप खाओ। गोभी बहुत सारी आ रही है मार्केट में, अभी आ जाएगी मार्केट में जैसे ही विंटर्स एकदम आएगी। ब्रोकली बहुत अच्छी मिलती है, सफ़ेद गोभी हमारी बहुत अच्छी होती है, ब्रोकली सस्ती भी बहुत मिलती है, तो हम उसको भी बहुत अच्छे से कंज्यूम करेंगे। सो इन सब की सब्जियाँ बना के आप ऐड करो एंड पूरा का पूरा आपका जो विंटर्स का जो सीजनल सब्जी है वो हम पूरा का पूरा खाएंगे। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। चलिए जी, मिड ब्रेकफास्ट में हम लेंगे जीरा टी, ये रही जीरा टी एंड अजवाइन टी, इन दोनों में से कोई भी एक टी बनाएंगे, जीरा टी या अजवाइन टी, साथ में कोई भी एक सीजनल फ्रूट। प्रेफर करेंगे चीकू, गुआवा या फिर एक बनाना इसके साथ। अगर आप ऑफिस जाते हो मिल्टन या डबलिन के टम्बलर में आप इसको बना के लेके जाओ। अगर आप घर से बना के लेके जा रहे हो, आपके पास नहीं है मिल्टन और डबलिन का टम्बलर, तो फिर आपने कांच की बॉटल में छोटे से टम्बलर में इसको कैरी करके लेके जाओ। ऑफिसेज में माइक्रोवेव होते हैं, गर्म करके लीजिए। कोई भी एक सीजनल फ्रूट पकड़ेंगे जो भी सीजन में, प्रेफर करना गुआवा या चीकू, बहुत अच्छे आते हैं इसमें सर्दियों में, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो नाउ मूव टू दी लंच। अच्छा जी, लंच अब डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटीज़ कितनी है दिन भर की, आप कितना फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, आपका ऑफिस आना है जाना है, उस हिसाब से हम कार्ब्स का इनटेक बैलेंस करते हैं क्योंकि वो एनर्जी हमें देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है एंड आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी है, दिमाग का काम कम है, फिजिकल वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, या बच्चों के साथ खेलते हो घर पे, या आपके घर में बच्चे हैं, आपका काम काज बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा कुछ चीज़ है देन लंच में हम लेंगे 1 बेसन का चल्ला। फिलिंग हम करेंगे लाल गाजरें, मार्केट में आती है रेड कैरेट्स, लाल गाजरें कद्दूकच करके उसकी फिलिंग करके हम बेसन का चीला बनाएंगे। अदरवाइज फिलिंग के लिए आप ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, हरी हरी ताज़ी एकदम ब्रोकली प्रेफर, मस्त एकदम बेसन चिल्ला बनता है उसका, 1 या 2 बेसन का चिल्ला। सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ उस हिसाब से है। अच्छा, अगर आपको बेसन चिल्ला खाने का मन नहीं है हटा दो। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे सूप। इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पे आएगी सूप डाइट, तो उसमें मैं 3 नई सूप्स की रेसिपी शेयर करूँगी, एक्सट्रीमली गुड। एंड मेरे चैनल पे ऑलरेडी पम्पकिन सूप है, टमाटो सूप है, ब्रोकली सूप है, आपको जो सा भी सूप प्रेफर है आप वो सूप लीजिए, बेस्ट है सूप लीजिएगा। थर्ड, अगर आपका सूप लेने का भी अब मन नहीं है, मुझे नहीं लेना सूप वगैरह, तो बथुए का रायता बहुत ही यम है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे उसका रेसिपी पोस्ट करूँगी, रील में, जो इंस्टाग्राम रील निकला है, हाँ रील निकला है उसमें पोस्ट करूँगी। सो बथुए का रायता बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही फिलिंग है एंड हेल्थ बेनिफिट्स तो नेक्स्ट लेवल का है बथुए का। उसके अलावा भी अगर आपको बथुए का रायता भी नहीं खाना, मुझे तो डेली टच नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता, पीसीओडी वालों के लिए दिक्कत है, आप लोग तो ले सकते हो ना। अच्छा, उसके अलावा भी मेरे चैनल पे जितनी भी सैलड्स की रेसिपी है, पिक एनी सैलड एज पर योर चॉइस एंड मस्त। अगर मान लो आप सैलड भी खाने का मन नहीं है, व्हाट इज नेक्स्ट, हम लेंगे कोल्ड कॉफ़ी, हमारा सदाबहार चिया सीड्स वाला कोल्ड कॉफ़ी, ये रही उसकी रेसिपी। सो हम ये लेंगे। नाउ मूव टू द इवनिंग टी। नाउ इवनिंग टी में ना खुद को बांध के नहीं रखेंगे कि हमको तो ग्रीन टी इंच लॉस ही लेना है, हमको ये लेना है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं डाइट में। ग्रीन टी नॉर्मल कोई भी आपके पास है प्रेफर करो, ग्रीन टी बनाने के बाद उसमें एक नींबू निचोड़ो। नई ग्रीन टी पीने का मन, ब्लैक टी, ब्लैक टी कैसे मिलते हैं, चाय पत्ती का वाला पानी या पका। नई पीने का मन ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी भी पीने का मन नहीं है छोड़ दो जी। उसके अलावा अगर आप घर पे हो एंड आप बना सकते हो, देन प्रेफरेबल इज ग्रीन टी इंचेस लॉस, गुड फॉर स्किन, गुड फॉर हेयर फॉल, एक्सीलेंट फॉर योर दिस इंचेस लॉस। एंड अगर आपको ये भी लेने का मन नहीं है, हम लेंगे आंवला जूस, आधा कप आंवला जूस, आधा कप गर्म पानी। इफ़ यू वॉन्ट मी टू अपलोड अ प्रॉपर आंवला जूस घर पे कैसे बनाते हैं उसका वीडियो, प्लीज लीव अ कमेंट, आई विल पोस्ट इट हियर। अच्छा जी, उसके अलावा मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई है नहीं। अच्छा जी, इन सारी टीज के साथ ना हमने ऐड करने हैं नट्स, पूरी रात भर सोक किए हुए 10 बादाम सोक करे हुए रात भर, सुबह नहीं खाएंगे इस टाइम खाएंगे। 2 अंजीर, अगर आप अंजीर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, 5 किशमिश, एक तो आयरन फुल करेगा आपका, ठीक है जी, आयरन की जिन जिन को कमी रहती है बॉडी के अंदर, प्लस आपको फिलिंग करेगा अच्छा खासा, टमी फुल, क्रेविंग्स ख़त्म करेगा। 1 या 2 खजूर साथ में और ले लीजिएगा, खजूर को सोक करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारा हो गया इवनिंग का चीज़ें। नाउ मूव टू द डिनर। अब डिनर लाइट करेंगे तभी तो कल ब्रेकफास्ट का मज़ा आएगा। सो डिनर में हमने क्या प्रेफर करना है, सूप्स एज पर योर कम्फर्ट, टर्मरिक रूट मिल्क, हल्दी वाला दूध,
अगर आपको पीने का मन है. अगर वो भी पीने का मन नहीं है, फ्रूट्स में सिर्फ बाउल ऑफ पपाया, वो भी खाने का मन नहीं है, गाजरें आएंगी मार्केट में बहुत प्यारी, लाल गाजरें. लाल गाजरें काटेंगे, दो कुकम्बर डालेंगे, 50 ग्राम पनीर डालेंगे, इसका सबको एक सैलड बना के खाएंगे. बहुत ही यम लगता है एंड फिलिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होने देगा, ट्रस्ट मी. सो यहाँ आप मूव करेंगे हम अपना नाइट ड्रिंक पे. मूव टू दी नाइट ड्रिंक. अच्छा, रात को सोने से पहले जब आप अपने बेड पे चल जाओ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोशिश करो 10 बजे, 12 बजे मैक्स खत्म आ, तो हम लेंगे करी पत्ते की चाय. ना करी पत्ता की चाय कैसे बनाएंगे, दो करी पत्ता लेंगे, दो कप पानी में उबलने रखेंगे, जब तक एक कप हो जाएगा छान के हम उसे पियेंगे सिप सिप करके. एंड बेड पे अपने पार्टनर के साथ चीयर्स करो, अपने बच्चों के साथ चीयर्स करो और पी जाओ. और वो नहीं करना कि हम मतलब एक गिल्ट में नहीं रहना कि हम डाइट कर रहे हैं, हम अच्छा खा नहीं रहे. इससे अच्छा खाना नहीं हो सकता. बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फ्रूट्स एंड ये सब चीज़ों को देख के जस्ट गिव दिस फीलिंग कि नहीं, मैं जो खा रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, दिस इज़ गुड फॉर मी, गुड फॉर माई हेल्थ एंड ये चीज़ मुझे ठीक करेगी. नाउ मेरे पास ना ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कम से कम 100-200 ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे जो अभी पोस्ट नहीं करे हैं एंड मैं पोस्ट करने वाली हूँ जैसे मेरा ऑफिस खुल जाए, क्योंकि वर्कलोड फिर हैंडल हो पाएगा. नाउ फॉर एग्जांपल एक आंटी जी हैं जिन जो 45 इयर्स के हैं, उन्होंने वेट लॉस करा 50 किलोस. वहीं पे एक फीमेल लेडी है जो 30-35 इयर्स के, उन्होंने वेट लॉस करा, जबकि दोनों सेम नंबर पे हैं, उन्होंने लूज़ करा 20 किलो 25 किलो किलस किलस के. हाय सुमन, मैं डाइट कर रही हूँ, मेरे को खाने का मन कर रहा है, मुझे भूख लग रही है, यू नो सच काइंड ऑफ थिंग्स. जब आप किलस के डाइट करते हो ना, खुद को सड़ा सड़ा के डाइट करते हो, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं देती, हॉर्मोन्स वर्क. अब जो 45 इयर्स की मेरी आंटी जी हैं, शी इज़ लाइक, अरे मुझे तो लगा था डाइट में ओट्स होंगे, तू रोटी कट देगी, तू अंडा चिकन पे डाल देगी, तूने मुझे सब दे रखा है, मैं सेटिस्फाइड हूँ. सो शी इज़ इंजॉइंग दिस पर्टिकुलर डाइट प्लान. जब हम किलसते हैं, तरसते हैं कि हम डाइट पे हैं, हम खा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तब आपका वेट लॉस ऑफ कोर्स स्लो जाएगा, बिकॉज योर बॉडी क्रेव फॉर अ फूड, योर बॉडी क्रेव फॉर जंक, मसाला, बहुत सारा घी, ठीक है, जो कि गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है. लेकिन अगर आप एक डाइट प्लान पे हो, आप कुछ अचीव कर रहे हो, हमारी बॉडी ना बड़ी समझदार होती है, टू बी ऑनेस्ट, मेरे 3.5-4 साल के करियर में मैं ये बात पूरी अच्छे से जानती हूँ और समझती हूँ. हमारी बॉडी ना बड़ी स्मार्ट है, आप उसको जिस चीज़ में ढालोगे ना, वो उसमें कम्फर्ट जोन में आ जाएगी. मैं बताती हूँ, मुझे मेरे क्लाइंट्स का स्टक वेट को तोड़ने के लिए ना, उनके कम्फर्ट जोन से उनको बाहर करना पड़ता है, तब जाके उनका जो स्टक किया हुआ वजन है वो हिलता है. सो अगर आप डाइट प्लान पे आ रहे हो, कि लसना बंद करेंगे, हम फोकस करेंगे डाइट पे, फोकस करेंगे फिगर पे, अपना शेप ठीक करेंगे, अपने आप को बीमारियों से बचाएंगे, अच्छा दिखेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और यू नो करियर में आगे निकलेंगे. नहीं, फटाफट किया और करियर में आगे निकला और वेट मेंटेनेंस पे जाएंगे. सो या दैट्स इट. एंड ये डाइट कौन कौन कर सकते हैं, पाइल्स जिनको है वो मत करिएगा, पीसीओडी वाले ये डाइट प्लान नहीं करेंगे, उनके लिए मैं अलग डाइट प्लान पोस्ट करूंगी. बाकी हर एक बंदा ये वाला डाइट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. शुगर वाले भी नहीं करेंगे, शुगर के लिए अगर शुगर का डाइट प्लान मैं पोस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि शुगर का डाइट प्लान पोस्ट, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके इंसुलिन बंद होते हैं, दवाइयों से मैं हटाती हूँ. शुगर का डाइट प्लान वाई आई कांट पोस्ट इज क्योंकि मुझे ना शुगर का रेटिंग चाहिए, सामने वाले बंदे का शुगर का लेवल कितना है, उसका क्या लेवल पे शुगर आ रहा है, कितना उसके दवाइयाँ चल रही है, उसकी करंट डाइट क्या है, एज क्या है, उस हिसाब से हम शुगर का डाइट प्लान बनाते हैं. सो आई कांट पोस्ट शुगर का डाइट प्लान है. सो या दैट्स इट. आई गेस बहुत सारी बात हो गई है. सो आई विल सी यू सून. सूप का डिटॉक्स डाइट प्लान, 1 week का डिटॉक्स डाइट प्लान फेस्टिवल सीजन के लिए, एंड नवरात्र डाइट प्लान भी मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी यहीं पे ही, ठीक है जी. ओके जी, तब तक मिलती हूँ मैं आपको बाद में. बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते.